नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ई दाखिल पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। ई दाखिल पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा बनवाया गया है। पोर्टल एनआईसी के द्वारा बनाया गया है और इस पोर्टल का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता हमारे भारतवर्ष के हैं, चाहे वो किसी तरह की सर्विस ले रहे हों, किसी तरह का उन्होंने सामान लिया हो और उनके साथ उन्हें लगता है कि वो सर्विस या वो सामान में कुछ त्रुटि है या उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो वो फिर कंज्यूमर फोरम्स यानी उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत को लेके जाते थे और फिर कंपनी के खिलाफ केस लड़ते थे। तो कंज्यूमर कोर्ट में ना जाना पड़े, इस उद्देश्य के साथ ई दाखिल पोर्टल को तैयार किया गया है। एक उपभोक्ता अपनी आपको इस ई दाखिल पोर्टल पर पहले रजिस्टर कर सकता है। उसके बाद बड़ी आसानी से कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उस दस्तावेज को अपलोड करके वो एक केस फाइल कर सकता है ऑनलाइन घर पर बैठे बैठे, और उसकी पेमेंट भी जो आवश्यक पेमेंट है वो भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो आज हम ई दाखिल पोर्टल के बारे में देखेंगे, हम उसमें अभी रजिस्ट्रेशन करके कैसे करेंगे और उसमें कैसे केस को हम किस कोई केस रजिस्टर कर सकते हैं, उसको हम उनकी हेल्प डॉक्यूमेंट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम अपने ब्राउजर की तरफ। ये हमारा ब्राउजर है, इसमें हमको ई दाखिल टाइप करना है। डायरेक्ट आप ई दाखिल करके गूगल सर्च में भी जा सकते हैं, अदरवाइज ई दाखिल डॉट एन आई सी डॉट इन लिखिए। डी में के बाद डबल ए है और फिर ये इस तरह की एक वेबसाइट का होम पेज जैसा कुछ खुलेगा। इसमें आपको एंटर वेबसाइट वाला जो एरिया दिख रहा है वहां पर क्लिक करना है, तो हमें ऑप्शंस मिलेंगे रजिस्ट्रेशन या केस फाइल करने के लिए। जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको वो लॉगिन करके भी कर सकते हैं। अब हमारे इस पेज पे हम आ चुके हैं। इस पेज में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कंप्लेनेंट एडवोकेट सेक्शन। इसमें जब आप माउस को ले जाएंगे तो तीन ऑप्शन आएंगे, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, वेरीफाइड अकाउंट विद ओटीपी। फिलहाल सबसे पहले आपको कोई भी केस रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। रजिस्ट्रेशन वन टाइम होगा, उसके बाद आप लॉगिन करके कितनी भी बार अपने आप को कितने भी केसेस आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की लिंक पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन की लिंक पे आप जब आएंगे तो आपको ये दिखेगा कि अभी फिलहाल जो है 20 स्थानों पर यानी राज्यों या यूनियन टेरिटरी पे ये सुविधा उपलब्ध है, उनके नाम लिखे हुए हैं। इनमें से अगर आप रेसिडेंट हैं यहाँ के तो आप यहाँ पे अपनी कंप्लेन को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और फिर हमारा जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है बहुत सिंपल है, इसमें बताने की बात इतनी विशेष नहीं है। इम्पॉर्टेंट यह है कि ईमेल आईडी ही आपका यूज़र आईडी है, तो आपको ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी इसमें रखना है। ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर आपका जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। इवन जिसमें रेड ये जो एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है यानी स्टार मार्क लगा है, ये फील्ड आपको भरनी ही है। अदर फील्ड्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जिसमें स्टार नहीं लगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ आप छोड़ सकते हैं। तो कोई वैलिड ईमेल आईडी डाल दीजिए यहाँ पर, यहाँ पर अपना नाम दे दीजिए। नीचे यहाँ आपको पासवर्ड रखना है। पासवर्ड की कंडीशन यह है कि कम से कम 7 कैरेक्टर का पासवर्ड हो, एक अपर केस लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, एक न्यूमेरिक नंबर हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। इतना ध्यान रखेंगे तभी वो पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद राइट साइड में फादर नेम है जो मैंडेटरी फील्ड है। नीचे आपको एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देना है। इसमें इस एड्रेस में सिंपली आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। अपना राज्य चुनिए, जो आपका राज्य है उस राज्य के हिसाब से नीचे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगी, आपको वो चुनना होगा। पिन कोड डालना होगा। फिर आपको अपनी आईडी प्रूफ, इम्पोर्टेंट फील्ड है। आईडी प्रूफ में इन्होंने कुछ आईडी प्रूफ दी हैं जैसे कि वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बीपीएल एआई कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। आपको चुन के बताना पड़ेगा कि मेरे पास आप कौन सा आईडी प्रूफ दे रहे हैं। मान लीजिए पैन कार्ड देते हैं तो आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा और साथ ही आप जो भी आईडी प्रूफ यहाँ लगा रहे हैं उसके यहाँ पर ब्राउज करके आपको फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। ध्यान रहे वो फाइल सिर्फ पीडीएफ होनी चाहिए, पीडीएफ ओनली। उसके अलावा आपको ये जो आपका कैप्चा आ रहा है वो यहाँ डालिए और सबमिट करना होगा। जब आप सबमिट करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आएगी। इसमें आपको ईमेल आईडी अभी मैंने यहाँ स्टार कर दिया है, मगर आपकी जो आपने ईमेल आईडी एंटर की होगी वो दिखाई देगी। यहाँ पर आपको जो ओटीपी रिसीव हुआ है वो डालना है और फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। इसी के साथ आपकी ईमेल आईडी पर एक एक्टिवेशन लिंक भी आ गई होगी। उस ईमेल आईडी पे जो एक्टिवेट लिंक का बटन होगा उसको आपको एक्टिवेट करना होगा। वो
वो मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल प्रोसेस है। और एक्टिवेशन होने के बाद आपका अकाउंट जो होगा रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड जो है एक्टिव हो जाएगा। फिर आपको हमारे इसी सेक्शन में दोबारा आना होगा और लॉग इन करना पड़ेगा। अब चूंकि पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आपको कभी फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लॉग इन पे आपको क्लिक करके हर बार अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करने की सुविधा मिल जाएगी। तो यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा जो आपने अभी बनाया था, आपने जो पासवर्ड डाला था, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालकर आपको लॉग इन का बटन दबाना होगा। इससे आप जो है अपना फिर आगे की स्क्रीन में अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर पाएंगे। उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारे मैनुअल दिए हुए हैं उस मैनुअल का यूज करके हम इस वीडियो में आगे समझते हैं कि हमें क्या करना है। अब हम वेबसाइट पे उपलब्ध पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे आगे की प्रोसेस। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम कोई कंप्लेन रजिस्टर करने जा रहे हैं तो जो आवश्यक हमें दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसकी तैयारी हम पहले से कर लें, उनको हम स्कैन करके भी। तो इसमें हमारे पास हमें क्या डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं, उनकी हम स्कैन कॉपी रख लें। तो देखिए इम्पोर्टेंट इसमें दिया हुआ है कि पहले हमें इंडेक्स रखना है, इंडेक्स नेचुरली की एक ये सीरियल नंबर मेंटेन्ड होना चाहिए। फिर लिस्ट ऑफ डेट्स रखना है हमें, फिर मेमो ऑफ पार्टीज रखना है हमें जिसमें कंप्लीट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन हो। फिर नोटराइज अटेस्टेड एफिडेविट होना चाहिए, और हमें अगर ऑफलाइन मोड पे अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमको फिर उसकी जो पेबल डिमांड ड्राफ्ट है रिस्पेक्टिव कंज्यूमर फोरम के रिस्पेक्ट में हमको तैयार रखना होगा। और इसके अलावा भी हम कोई दस्तावेज अपना लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई सर्विस ली, हमने कोई सामान खरीदा, तो उससे रिलेटेड कोई रसीद है, कोई वाउचर है, वो भी हमको तैयार रखना होगा। पीपीटी के इस पेज में उन्होंने बताया है कि केस फाइलिंग की प्रोसेस क्या होगी। तो सबसे पहले हमें केस से रिलेटेड डिटेल्स की एंट्री करनी पड़ेगी, और अगर हम कंप्लेनेंट हैं और हमारे साथ कोई और भी कंप्लेनेंट है, यानी एक ही विषय पे या एक ही कंपनी के खिलाफ, एक ही प्रोडक्ट के खिलाफ हमारी कोई कंप्लेंट है तो, और वो हमारे साथ कंप्लेन करना चाहते हैं, तो एडिशनल कंप्लेनेंट की डिटेल डालना होगा। फिर हमें पार्टी जो अपोजिट पार्टी है उनकी डिटेल के साथ साथ कोई अगर उनकी तरफ से मतलब हम उन पार्टी के साथ किसी और को भी पार्टी बनाना चाहते हैं तो एडिशनल अपोजिट पार्टी की डिटेल डालना पड़ेगा। फिर हमें रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमने तैयार किए हुए हैं वो हमें अपलोड करने पड़ेंगे, फाइनलाइज और सबमिट करना पड़ेगा। और पेमेंट अगर हमारे पास दो मोड हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और ऑफलाइन का भी ऑप्शन है जो हमारा डीडी वाला, पर ऑनलाइन पेमेंट ही करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि हम पोर्टल के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर ऑनलाइन पेमेंट ही प्रेफरेबल होगी। जो हमारी लॉगिन स्क्रीन थी, जब हम उसमें सक्सेसफुली लॉगिन कर जाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। इसमें हमारे पास लेफ्ट में यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दिख रहा है फाइलिंग बाई कंप्लेनेंट एडवोकेट, इस पे हमको आना है। ये आप स्वयं अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो आप इसमें अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, या आपके एवज में आपकी तरफ से आपके एडवोकेट भी कर सकते हैं, इसलिए स्लैश के साथ एडवोकेट लगा हुआ है। और फिर हमें फाइल अ न्यू केस पे जाना होगा। जब हम फाइल अ न्यू केस में जाएंगे, चूंकि ऑलरेडी हमारी डिटेल्स तो कैप्चर्ड है ही, हमारा रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने डिटेल दी थी, इसके अलावा हमारे साथ कोई और कंप्लेन करना चाहते हैं तो आपको एडिशनल कंप्लेनेंट वाले टैब पे यहाँ पर जानकर अपनी इंफॉर्मेशन जो दूसरे व्यक्ति आपके साथ है उनकी डिटेल में कॉमनली नाम, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है पर उनको रखेंगे तो आपको केस किस स्टेटस पे, उसके हर स्टेटस पे स्टेज पर उनको एसएमएस से अपडेट मिलता रहेगा। इसके साथ ईमेल तो रहेगा ही, ईमेल पे भी अगर आप मेंशन करेंगे तो ईमेल पे भी जानकारी आती रहेगी। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो नीचे के सेक्शन में यहाँ देखिए एक चेकबॉक्स दिया हुआ है, अगर आपके एडवोकेट है, आप उनके पास उनकी आपके पास उनकी डिटेल है तो उसको चेक करिए और उनकी भी यहाँ पे डिटेल नीचे कॉमन डिटेल्स उसको भर दीजिए। और अगर आपसे कहीं पर मान लीजिए कोई मिस्टेक है, आप उसको एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप एडिट पे क्लिक करके दोबारा उस डिटेल को अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर फिर आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना होगा। इसी के साथ देखिए यहाँ केस डिटेल्स में वाले टैब में आपको कुछ केस के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। प्री डिटेल्स में इसका एक ऑटोमेटिकली केस नंबर जैसा कुछ जनरेट हो जाएगा, वो आपको यहाँ पर प्री डिटेल्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप अगले टैब में आते हैं, उसका नाम है एडिशनल अपोजिट पार्टी, यानी अब हम जिसके जिस पार्टी के खिलाफ हमारी शिकायत है उनसे संबंधित डिटेल डालेंगे। और
उनके पहले आपको यहाँ एडिशनल यहाँ पे इसको चेक करना पड़ेगा अगर कोई उनके अलावा भी आपके कोई है, क्योंकि ऑलरेडी आप केस डिटेल्स में सब चीज़ें मेंशन कर चुके होंगे। तो ऐड न्यू अपोजिट पार्टी वाले पे आपको क्लिक कर उनकी डिटेल्स को, अगर आप एक से ज़्यादा पार्टी है आपकी तो इस टैब पे आपको उनकी इन्फॉर्मेशन को डालना होगा, और इन केस आप एडवोकेट की इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला सेक्शन जो है वो अपोजिट पार्टी के एडवोकेट की, और नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब नेक्स्ट स्क्रीन में हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड की स्क्रीन आएगी, टैब आएगा। इसमें हमने जो पहले डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किए हैं, हमारे जो इंडेक्सिंग है, लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स है, मेमो ऑफ पार्टीज है जिसमें एड्रेस वगैरह की डिटेल्स भी है, कंप्लेंट विद एफिडेविट है, और ये सारी चीज़ों में आपको मदद करेंगे आपके एडवोकेट, वैसे भी बता देंगे, कोई इतना इशू नहीं है। उनको आपको पीडीएफ में रखना है और आप इनको यहाँ से चूज करके, जैसे हम ब्राउज करके करते हैं, वन बाई वन करना है, और जब आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास व्यू करने का ऑप्शन आएगा, आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रीचेक भी कर सकते हैं, अदरवाइज दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। और नीचे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आप, रिसीट वाउचर, तो नीचे भी उसको अपलोड कर देंगे। यानी ये चार डॉक्यूमेंट तो मैंडेटरी हैं, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो मैंडेटरी नहीं होगा। फिर जब आप नेक्स्ट सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट हमारा फाइनलाइज एंड सबमिट अप्लीकेशन का टैब आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी फाइनलाइजेशन की स्टेप्स को देख सकते हैं। नीचे आपको सारी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा, एक कंफर्मेशन है कि आपने सब कुछ चेक कर लिया है, सारी ये सारी डिटेल्स आपके पास आपने उपलब्ध कराई हैं। और उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक ही स्थान पे दो कंज्यूमर फोरम की कोर्ट हो, उससे ज़्यादा तो वो ऑप्शन आएंगे, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर अपना केस फाइल करना चाहते हैं, और वो उसको वहाँ पे आप सिलेक्ट कर कर नीचे फाइनलाइज का बटन है उस पर फाइनलाइज कर देंगे। एक बार एप्लीकेशन फाइनलाइज हो जाएगी तो आप किसी तरह का भी उसमें चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आपको पेमेंट की ऑप्शन आएगा, पेमेंट का वहाँ पे डिटेल लिखा होगा, पेमेंट आपको करनी होगी। पेमेंट करने के बाद आपको और डिटेल आ जाएगी, और आप जब तक इसमें ये समझ लीजिए जब पेमेंट हो जाएगी तो ही वो केस जो है सिस्टम जो है आपकी कंसर्न कोर्ट को फॉरवर्ड करेगा, अंटिल वो अदरवाइज वो आपके पेंडिंग ही रहेगा। तो इस प्रक्रिया का प्रयोग करके आप आगे अपना किसी भी तरह की कंप्लेन ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं या एडवोकेट की मदद से कर सकते हैं, आपको फोरम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसमें अपील का भी ऑप्शन है, उसको भी हम अपील कैसे करेंगे उसको कभी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी वेबसाइट पे उपलब्ध हमारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, और जो हेल्प डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको मदद करेगा, और इस ई दाखिल के बारे में आप अन्य लोगों को भी बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, ताकि वह अपनी समस्याओं को सामने ला सके, केस रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।